नमस्कार दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश का कैपिटल सिटी आज काफी तेजी से विकसित हो रहा है। देश विदेश के लोग यहाँ पे भारी संख्या में हर साल भोपाल घूमने के लिए आते हैं। इसी के चलते भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट भोपाल को एक विश्व स्तरीय सिटी बनाने के लिए कई सारे इनिशिएट ले, कई सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आज के डेट में भोपाल में कौन कौन से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। भोपाल शहर की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट। भोपाल मेट्रो, जिसे भोज मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, भोज मेट्रो के रूप में प्रपोज किया गया मेट्रो परियोजना MRTS के रूप में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जाना है। भोपाल मेट्रो को 105 किलोमीटर के रूप में रोहित एसोसिएट सिटीज एंड रेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका प्लान तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत दो लाइन्स को बनाया जाना है, जिसमें टोटल 28 स्टेशन का निर्माण हो रहा है। प्रोजेक्ट को दो फेज में 2023 के अंत तक बनाकर पूरा किया जाना प्रस्तावित है। हालांकि नहीं लगता है कि 2023 तक अंत तक यह बनकर तैयार भी होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 2025 से लेकर 2026 तक का भी वक्त लग सकता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि फेस वन के तहत आज के डेट में 7 किलोमीटर के लेंथ में तो काम यहाँ पे हो रहा है, वहीं 21.65 किलोमीटर को अप्रूवल मिल चुका है। वहीं फेस टू के तहत 77 किलोमीटर को बनाया जाना है, जिसमें अभी प्रपोज किया गया है, जिसको 2027 से 2028 तक की टाइमलाइन दे रखी है, बट ये 2030 तक का भी समय लग सकता है। ऐसे में देखना होगा कि भोपाल मेट्रो, जो कि भोपाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है, वो कब तक बनकर तैयार होता है। भोपाल सिटी की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है भोपाल रिंग रोड प्रोजेक्ट। भोपाल की कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए, शहर को जाम से मुक्ति के लिए सरकार भोपाल में रिंग रोड को प्रस्तावित किया है। हालांकि अभी DPR वगैरह पर काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि 720 करोड़ की लागत से इस भोपाल का रिंग रोड को बनाया जाना, जो एक 6-लेन एक्सप्रेसवे होगी। मंडी द्वीप से होते हुए अम्बेदुल्लागंज और सीहोर रोड तक सीधी एक लाइन के रूप में इसे बनाया जाना। हालांकि अभी पूरी तरह से इसके बारे में वेबसाइट्स पर कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, बट हाँ, भोपाल में एक रिंग रोड को बनाया जाना प्रस्तावित है, जो कि NHAI के हेल्प से भारत सरकार द्वारा बनाया जाना। ऐसे में देखना होगा कि यह भोपाल रिंग रोड प्रोजेक्ट, जो कि प्रस्तावित किया गया है, कब तक बनकर तैयार होता है, कब तक, इसके बारे में पूरी डिटेल सबके सामने आती है। भोपाल शहर की तीसरी बड़ी प्रोजेक्ट है भोपाल कानपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 4-लेन के रूप में प्रपोज किया गया हाईवे 5-6 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसे 8 पैकेज के रूप में 2026 तक बनाकर पूरा किया जाना प्रस्तावित है। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो अभी यहां पे फिलहाल जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया और जल्द ही जल्द इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो सकती है। कानपुर भोपाल एक्सप्रेसवे कई मायनों में बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी कानपुर से भोपाल जाने के झांसी का रास्ता लेना पड़ता है, जिसके वजह से काफी डिले होता है और काफी समय भी लगता है। बट यह जो अभी अभी नया प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया, वह बिल्कुल एक सीधी लाइन के रूप में प्रपोज किया गया, जो कि समय के साथ साथ डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है, जिससे ना सिर्फ आवाजाही में आसानी होगी बल्कि ट्रेड भी काफी तेजी से। हाईवे बन जाने से रोजगार मिलेंगे, आसपास में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे, नए नए इंडस्ट्रीज खुलेंगे, नए नए फैक्ट्रीज खुलेंगे और बहुत सारी चीजें हाईवे के बगल में खोला जाता है, जिससे कई तरह के रोजगार उपलब्ध होते हैं। ऐसे में देखना होगा कि भोपाल कानपुर एक्सप्रेसवे, जो कि 2026 तक बनकर पूरा होना, वो बनकर तैयार हो पाता है या फिर नहीं होता है। भोपाल शहर की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है TT नगर एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 2000 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है TT नगर एरिया एक मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप कर रही है, जहाँ सभी तरह की सुविधाएं होगी, सभी तरह के हाईटेक फैसिलिटीज मिलेगी और बहुत ही एक प्लान तरीके से यूरोपियन मार्केट के तर्ज पर विकसित किया जाना है, जहाँ पे आउटलेट से लेकर मार्केट, नाइट बाजार, चौक, चौराहे और ग्रीन स्पेस के रूप में तैयार किया जाना है, जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी जगह होगी। पूरा प्रोजेक्ट को भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया जाना है, जो कि उनका कहना है यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से रीडेवलप करके एक टूरिज्म फ्रेंडली जगह को बनाया जाना है, जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहीं आज के डेट में भोपाल में अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं और ऐसे ही छोटे छोटे एरिया को रीडेवलप करके एक मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रही है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आज के डेट में नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ही इन सभी छोटे छोटे एरिया के रूप में आज भोपाल में विकसित कर रही है और भोपाल ही सबसे तेजी से स्मार्ट सिटी के तहत विकसित होने वाला शहर भी है। ऐसे में भोपाल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत डेवलप हो रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताना। भोपाल की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है भोपाल रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हमने हाल ही में देखा कि भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसे अब कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया, उसे एक हाईटेक और वर्ल्ड क्लास के रूप में बनाकर तैयार किया गया और अब उसी के मापदंड के अनुसार भोपाल का रेलवे स्टेशन को भी विकसित किया जाना, जिसकी मंजूरी भी मिल गई है और तेजी से अभी के डेट में काम भी हो रहा है।
ऐसे में देखना होगा कि भोपाल का रेलवे स्टेशन जो कि कमलावती रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाना है, देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होता है। इसके अलावा आज भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई सारे नए नए प्रोजेक्ट, कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करिए, जिनमें से अगर मैं कुछ का नाम लूँ तो पता चलता है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि भोपाल के रास्ते ही बनाया जाना, जिससे कहीं ना कहीं भोपाल के लोगों के लिए भोपाल में रोजगार के अवसर मिलेंगे और भोपाल में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी होगा। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आज के डेट में भोपाल के रास्ते से ही बनाया जाना है, जहाँ पे काफ़ी तेज़ी से काम भी हो रहा है। इसके अलावा नर्मदा एक्सप्रेसवे जो कि मध्य प्रदेश की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि भोपाल के रास्ते ही बनाया जाना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो कि अटल पाथ है, जो कि भोपाल सिटी से होकर ही अलग अलग डिस्ट्रिक्स में जाएगी। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट है जो आज के डेट में भोपाल स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप किए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सारे डेवलप होने के बाद कई सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ऐसे में आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज का ये छोटा सा वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।